हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो जो मैंने सोचा है वो मैंने ये सोचा है कि मैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आउटफिट आइडियाज़ पे बनाऊंगी। तो ऐसे कि थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि किस टाइप के फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल आउटफिट्स होने वाले हैं। सो एक्चुअली क्या है कि अगर आपके ऑफिस में इनफॉर्मल है तब तो बहुत अच्छा है, बट अगर आप इतने लकी नहीं हो और आपके ऑफिस में फॉर्मल्स हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है डेली कि क्या पहने, कैसे स्टाइल करें। तो आज मैंने उसी के बारे में वीडियो बनाया है और मैंने इसमें आपको टिप्स भी दिए हैं कि कैसे आप फॉर्मल्स पहन के एक तो पुट टुगेदर लग सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने इसमें क्या सोचा है कि मैं सिर्फ बेसिक टॉप्स के साथ आपको दिखाऊंगी, लाइक बेसिक एज इन कि सिर्फ ब्लैक एंड वाइट टॉप्स के साथ या फिर शर्ट्स के साथ आप कैसे स्टाइल कर सकते हो। बिकॉज जो टॉप्स एंड जो टी शर्ट्स होते हैं ना, वो हम लाइक वो हम अप वेयर में पहनते हैं तो वो ही बहुत ज़्यादा आई कैचिंग होते हैं। तो अगर उनको आपने ठीक से किसी बॉटम वेयर के साथ स्टाइल किया है तो वो इमिजिएटली आपका लुक एकदम चेंज कर देते हैं। तो मैंने एक्चुअली सिर्फ दो कलर्स के टॉप वेयर्स के साथ बताया है, एक ब्लैक एंड एक वाइट। सो हम आज सिर्फ ब्लैक एंड वाइट टॉप्स के साथ ही या फिर शर्ट्स के साथ ही स्टाइल करके देखेंगे कि हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मल आउटफिट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जो पहला आउटफिट है ना, उसमें मैंने यूज़ किया है ये बर्गंडी कलर का, ये मतलब ट्राउज़र तो नहीं है प्रॉपर, बट ट्राउज़र का हम जैगिंग है, बट ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल लगता है तो इसको हम यूज़ करेंगे। और हम एक बहुत ही बेसिक वाइट शर्ट यूज़ करेंगे। ये शर्ट मैंने पुणे के एक लोकल मार्केट से लिया था और ये जो ट्राउज़र है इसको मैंने मिंत्रा से लिया था, और ये दोनों ही बहुत कॉमन है, कहीं भी कभी भी मिल जाते हैं। तो हम इनको स्टाइल करेंगे। सो आप देख ही सकते हो इमेज में ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उस बर्गंडी कलर पे ये वाइट कलर का कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को एक टिप भी शेयर करूँगी, तो टिप ये है कि आप जो भी अपने लाइक टॉप या टी शर्ट पहनते हो, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पुट टुगेदर लुक चाहिए तो आप उसी कलर के फुटवेयर्स पहनिए। अब देखिए मैंने इसमें वाइट कलर के फुटवेयर्स को पहना है। तो गाइज़ क्या होता है ना कि आप जब भी आप पिंटरेस्ट पे या कहीं भी किसी मॉडल की पिक्चर देखोगे ना जो कि फॉर्मल वेयर में होते हैं, तो उनका हमेशा जो भी शर्ट या फिर जो भी उनका टॉप वेयर होता है ना, वो हमेशा उनके फुटवेयर से मैच करता है। जैसे कि मैंने पिक्चर्स भी इंसर्ट करी हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे दो चार पिक्चर्स मैंने डाली हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप अपने टॉप वेयर को अपने फुटवेयर से मैच करते हो तो आपका लुक बहुत ही ज़्यादा पुट टुगेदर लगता है और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगता है, स्पेशली व्हेन यू आर वेयरिंग फॉर्मल्स। तो पहले टिप तो ये थी कि आप कोशिश करो कि जिस भी कलर के आप अपने फॉर्मल में टॉप या फिर टी शर्ट यूज़ करें उसी कलर के आप फुटवेयर्स पहनो। और इसीलिए मैंने आज सिर्फ दो ही कलर के कॉम्बिनेशन में दिखाया है, एक ब्लैक एंड वाइट, बिकॉज ये बेसिक कलर्स हैं जो सबके पास होते हैं और इस कलर के बॉटम लाइक फुटवेयर्स भी सबके पास होते हैं। तो इसीलिए मैंने आज इन दो कलर्स को चूज़ किया है। तो आप अगर इस टिप को फॉलो करोगे ना तो आपका लुक हमेशा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगेगा, यही वर्ड है मेरे पास। ओके फ्रेंड्स, तो जो दूसरा लुक है उसमें मैंने यूज़ किया है एक ये बेबी पिंक कलर का क्यूलॉट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। मैंने तो इसे एक लोकल मार्केट से ही लिया था, बट आप मिंत्रा पे भी देख सकते हो बहुत सारे अवेलेबल हैं। और एक ये हाईनेक ब्लैक कलर का टी शर्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल लगता है, फॉर्मल या फिर सेमी फॉर्मल। अगर आपको किसी दिन बहुत ही ज़्यादा टिपिकल फॉर्मल पहन के जाना है तब तो आप शर्ट ही पहनोगे, बट डे टू डे में अगर आपको लाइक फॉर्मल सेमी फॉर्मल पहनना है तो इस टाइप की आप टी शर्ट्स ले सकते हो, ये बहुत अच्छी लगती है और स्पेशली इस टाइप के क्यूलॉट्स के साथ। तो आप पिक्चर्स में देख ही सकते हो कि कितना अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है इसका। और इन टी शर्ट्स के साथ बात ये होती है कि आप इनको हर कलर के बॉटम वेयर के साथ मैच कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी, मैंने इसको एक रस्ट लाइक ऑरेंजिश कलर के भी ट्राउज़र्स के साथ तो पैरअप किया है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप इस टाइप का एक बेसिक हाईनेक टी शर्ट तो पक्का लेके रखो अपने साथ, और जिसको कि आप डिफरेंट डिफरेंट बॉटम वेयर्स के साथ स्टाइल कर सकते हो। एक और हम आउटफिट देख लेते हैं वाइट शर्ट के साथ, उन लोगों के लिए जिनको डेली ही प्रॉपर तरीके से फॉर्मल वेयर करना होता है। तो आप वैसे ही सेम शर्ट को पैरअप कर सकते हो इस टाइप के ट्राउज़र्स के साथ, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ऑफिस वेयर के लिए। और इसको मैंने मिंत्रा से ही लिया था और ये काफ़ी रीज़नेबल था और ये अभी भी अवेलेबल है, मैंने चेक किया है। तो अगर मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी तो इन दोनों को भी आप पेयर कर सकते हो और ये बहुत अच्छा लगता है। और इसको मैंने उस ब्लैक हाईनेक टी शर्ट्स के साथ भी पेयर किया हुआ है कई बार ऑफिस में, और इसके साथ मैंने एक और शर्ट भी ट्राई की है जो कि मैंने आई थिंक एंड से ली थी ऑफलाइन स्टोर से। तो आप देख ही सकते हो, पहले मैंने इसको वाइट के साथ दिखाया है, तो
ये इस ग्रे कलर का बेनिफिट ये है कि ये आपका वाइट के साथ भी बहुत प्रॉपर तरीके से जाता है और ये ब्लैक के साथ भी। तो इसमें भी आप देख सकते हो मैंने सेम कलर के फुटवेयर्स मैच करने की कोशिश करी है, तो कितना ज़्यादा फॉर्मल लग रहा है ये। और अब ये देखिए दूसरा, इसको ये शर्ट मैंने जो है ये मैंने एंड से ली थी। अब आप देख सकते हो इस शर्ट के साथ भी कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। इसमें देखिए मैंने अभी ब्लैक कलर के फुटवेयर्स अपने चेंज कर लिए, तो ये बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड सी चीज़ है, बट अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका बहुत ही अच्छा फॉर्मल तरह का लुक निकल के आएगा। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट है ये आई थोड़ा सा इसको क्या बोलेंगे, ब्रिक कलर में है, लाइक बहुत ऑरेंजिश भी नहीं है क्योंकि कैमरा में थोड़ा ऑरेंजिश है, आई थिंक रेड लग रहा है, बट ये थोड़ा सा रस्टी कलर में है। और उसके साथ मैंने पेयर किया है ये वही सेम ब्लैक कलर का हाईनेक, और आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये मैंने तो इसको वेन होसन से लिया है, लेकिन इस टाइप के आजकल मीशो पे, अमेज़ॉन पे और मिंत्रा में बहुत सारे अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा कम प्राइसेस में भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। और इसको इस टाइप के आप ब्लैक हाईनेक टॉप या फिर ब्लैक सेम शर्ट के साथ स्टाइल कर सकते हो। बट इन ट्राउज़र्स में क्या होता है कि अगर आप इस टाइप के ट्राउज़र्स पहन रहे हो जो कि नीचे से थोड़े लूज़ होते हैं, तो आप उसमें कोशिश करो कि आप जो अपना शर्ट या फिर टॉप पहन रहे हो वो थोड़ा सा लाइक बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो, क्योंकि अगर आप बॉटम में भी और टॉप में भी थोड़ा लूज़ पहनते हो तो बहुत शैबी सा लुक आता है। तो ये आपको कोशिश करनी है, मेरा सेकंड टिप यही है कि अगर आप लाइक बॉटम वेयर अपना लूज़ पहन रहे हो तो कोशिश करिए कि आपकी जो शर्ट है या फिर जो टॉप है वो थोड़ा फिटिंग का हो, और अगर आप अपना जो कि बॉटम वेयर है वो बहुत ज़्यादा फिटिंग का है तो आप थोड़ा सा लूज़ शर्ट उसमें जा सकते हैं। ये मत करिए कि दोनों ही बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग है और दोनों ही बहुत ज़्यादा लूज़ है, उससे आपका जो लुक है ना वो बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो इसमें भी आप देख सकते हो मैंने इसके साथ ब्लैक टी शर्ट पहने हैं और ब्लैक फुटवेयर किए हैं पहने हैं, तो ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो जो लास्ट है ना वो है ये ट्राउज़र। ये ना मैंने 2-3 साल पहले आई थिंक लॉकडाउन से पहले लिया था मैंने मिंत्रा से, ये बहुत चले थे पहले, आपको याद होगा। इसमें से 2 बेल्ट्स होती थी आगे टाई करने के लिए। तो ये मेरा थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में है, आई कैमरा में थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, बट ये थोड़ा सा चॉकलेटी ब्राउनिश कलर में है। इसको भी ना मैंने उसी ब्लैक कलर के हाईनेक टॉप के साथ पेयर किया है, तो आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये इस टाइप के ना ट्राउजर्स आपको अभी भी मिल जाएंगे, मैंने मिंत्रा पे चेक किया था तो इस टाइप के हैं। और इसकी जो ये बेल्ट है ना वेस्ट पे, इसको ना टाई करने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके आते हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हो, बहुत ही बटरफ्लाई टाइप का बन के आता है, मुझे तो आता नहीं है, मैंने तो ऐसे ही बांध लिया और मैं ऐसे ही पहनती हूँ। तो ये वाला जो ट्राउज़र है ना ये व्हाइट कलर के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा ही हाईनेक मेरे पास व्हाइट कलर का भी है, वो भी मैं इसके साथ पहनती हूँ और वो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप इस टाइप के कोई भी डार्क कलर के ट्राउज़र्स लेते हो ना, जैसे कि ग्रे या फिर ब्लैक या फिर ब्राउन, तो उनका बेस्ट पार्ट यही होता है कि वो ब्लैक के साथ भी अच्छे लगते हैं और वाइट के साथ भी अच्छे लगते हैं। तो इस टाइप का भी एक आप अपने लिए ट्राउज़र ले सकते हो। और इसमें भी आप देख सकते हो मैंने ब्लैक फुटवेयर्स पहने हैं, तो कितना ज़्यादा अच्छा लुक लग रहा है। और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं ट्राउज़र्स, इनको पहन के लाइक आप होल डे आपको ऐसा फीलिंग नहीं आता कि आपने बहुत ही ज़्यादा टाइट सा ट्राउज़र पहन के और बहुत ही अनकम्फर्टेबल लग रहे हो, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं ये। सो गाइज़ ये था आज का फॉर्मल आउटफिट आइडिया, इतने सारे आई थिंक 5 या 6 मैंने आपको दिखाए, शायद 5। तो आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा। और गाइज जो मेरी लास्ट टिप है ना वो आउटफिट आइडियाज़ से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आउटफिट के बारे में ही है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग जब भी लाइक हमें ऑफिस जाना है तो हम लोग आलस कर जाते हैं रात में कि यार अभी कौन सोचे सुबह देख लेंगे क्या पहनना है, और फिर हम जब सुबह कपड़े ढूंढते हैं ना तो हमें कुछ मिलता नहीं, हम एक दो चीज़ें निकालते हैं पहनते हैं ट्राई टेस्ट करते हैं, हमें पसंद नहीं आता, हमें लगता है यार इसके साथ ये नहीं अच्छा लग रहा, उसके साथ ये नहीं अच्छा लग रहा, क्या करें, फिर हमें लेट होने लगती है और हमें जो भी मिलता है हम वो पहन के चले जाते हैं। मेरे साथ तो ये बहुत बार होता है और आई थिंक कई लोगों के साथ होता भी होगा आई एम श्योर। सो इससे बचने का बेस्ट है ना कि आप रात में एक बार 2 मिनट निकाल के सोच लो कि आपको कल क्या पहनना है और किस टाइप का पहनना है, लाइक एकदम फॉर्मल पहन के जाने का है, क्योंकि वो आप डिसाइड करोगे कि आपके ऑफिस में क्या चल रहा है। तो अगर आपको आपके ऑफिस में कोई मीटिंग से और आप कोई एकदम फॉर्मल पहनना है या आप इनफॉर्मल पहन सकते हो, तो आप ना रात में 2 मिनट निकाल के सोच लो कि मुझे क्या पहनना है और उसको निकाल के बाहर रख लो, तो सुबह ना आप जब उठोगे ना आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेगा, क्योंकि दिमाग को पता होगा यार कपड़े ढूंढने की टेंशन नहीं है, बस नहाना है, रेडी होना है, खाना है और कपड़े पहनने और निकल जाना। तो मैं तो ये करती हूँ और मेरे को तो अभी
कोई भी झंझट नहीं लगती है। मैं रात में बस सोने से पहले 2 मिनट निकालती हूँ, सोचती हूँ क्या पहनूँ, उसको निकाल के रख लेती हूँ, सुबह फटाक से रेडी हो जाती हूँ, कोई टेंशन नहीं होती। वरना पहले मेरे साथ बहुत होता था, रात में मैं सोचती नहीं थी और सुबह मैं सोचती थी यार क्या पहनूँ, समटाइम्स कोई चीज़ सोची भी होती थी तो वो मिलती नहीं थी सुबह। तो बेस्ट है कि निकाल के आप उसको रख लो। तो ये आइडिया आप ट्राई कर सकते हो, मेरे तो बड़े काम आता है। गाइस एक चीज़ और है, हम कुछ लोग होते हैं ना जो कि मतलब हर टाइम अच्छे से ड्रेसअप होके रहना चाहते हो, और कुछ लोगों को लगता है कि ठीक है। तो जिनको ये लगता है, जैसे मैंने कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं या जैसे मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो कि बोलते हैं कि हमें तो ड्रेसअप होने का शौक़ नहीं है या हम तो कुछ भी पहन लेते हैं, आई रिस्पेक्ट देयर थिंकिंग। सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, अगर उनको ऐसा लगता है दैट्स गुड, अगर वो उसमें अच्छा फील करते हैं। मेनली आपका क्या है कि आप का दिमाग शांत होना चाहिए, आप अपने आप में हैप्पी फील करना चाहिए। अगर उनको ऐसा लगता है तो दैट्स वेरी गुड। बट इफ़ यू आर समवन जिसको कि थोड़ा सा ड्रेसअप होके रहना अच्छा लगता है, या फिर आप अच्छे से ड्रेसअप होते हो, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से रखते हो, अपने लुक को अच्छे से रखते हो, तो आप कॉन्फिडेंस आता है, तो प्लीज़ गो अहेड एंड ड्रेसअप प्रॉपरली। क्योंकि क्या होता है, अगर आप अच्छे से ड्रेसअप होके जाओगे कहीं पर भी, किसी से भी मिलने में, सिर्फ ऑफिस की ही बात नहीं कर रही हूँ, कहीं पर भी अगर आप अच्छे से ड्रेसअप होके जाओगे तो वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, आपको अंदर से ही कॉन्फिडेंस की फीलिंग आएगी। तो उससे आप जिस भी काम के लिए जा रहे हो या जहाँ भी जा रहे हो, आपका दिन अच्छा ही जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अगर ड्रेसअप हो रही हूँ तो लोग ऐसा सोचेंगे कि ये बहुत अच्छे से तैयार होकर रहती है हमेशा, या फिर इसको ड्रेसअप होने का शौक है। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, मेरी भी अपनी चॉइसेस हैं। मुझे जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ या ऑफिस जाती हूँ, मुझे लिटिल बिट अच्छे से ड्रेसअप होकर जाना पसंद है, क्योंकि वो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। बट हाँ, अगर मैं घर में रहती हूँ तो मैं बहुत ही अजीब तरह से रहती हूँ, शायद आप मुझे पहचान भी नहीं पाओगे। तो इट्स अप टू यू, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपको कैसे कहाँ जाना है। किसी के भी जजमेंट को लेके आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे फील होता है, अच्छा लगता है, जैसे आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप वैसे ड्रेसअप होके जाओ। ऐसा फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हम ड्रेसअप सिर्फ अच्छा लगने के लिए, सुंदर लगने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए ही ड्रेसअप होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब ड्रेसअप होती हूँ मेरे अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है, मैं इसलिए ड्रेसअप होती हूँ, उसका मुझे किसी को इम्प्रेस करने से कोई लेना देना नहीं है। तो ये थी गाइस कुछ बातें और कुछ फॉर्मल आउटफिट आइडियाज़। और सॉरी लाइट चली गई है तो थोड़ा अंधेरा लग रहा होगा। तो ये थे आज के कुछ आइडियाज़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और आपको इसमें से बेस्ट आउटफिट कौन सा लगा वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको इस टाइप के कोई और आइडियाज़ चाहिए तो मुझे बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना सकती हूँ। और हाँ, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।